जय नरवान, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस एनालिसिस हिंदी में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीए नेवी प्रोग्राम के बारे में। दोस्तों, एलसीए नेवी को लेकर के रिसेंटली कुछ ऐसी अपडेट सामने आई हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अभी हाल ही में एलसीए नेवी के एक नए प्रोटोटाइप का टेस्ट किया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 6 फरवरी 2023 को भारतीय नौसेना के पायलट्स के द्वारा भारत के नए एयरक्राफ्ट कैरियर या पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत पे एलसीए नेवी की लैंडिंग करी गई थी। और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। अगर हम वर्ष 2018 की बात करें तो उस समय भारतीय नौसेना का प्लान ये था कि भारतीय नौसेना बड़ी संख्या में जो तेजस के नेवल वेरियंट है, इनको आईएनएस विक्रांत के डेक से ऑपरेट करना चाहती थी। लेकिन बाद में अलग अलग कारणों की वजह से ये जो प्रोग्राम है इसको रद्द किया जाता है और भारतीय नौसेना के द्वारा एक लिमिटेड नंबर्स में जो फॉरेन मेड फाइटर जेट्स हैं उनको शॉर्ट टर्म के लिए इंडक्ट करने की बात कही जाती है। और ये तब तक भारतीय वायुसेना का साथ निभाएंगे जब तक कि हमारे ट्विन इंजन डिग्रेस फाइटर ऑपरेशनल नहीं हो जाते। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन था वो F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम के बीच में था, लेकिन राफेल एम ने यहाँ पर बाजी मार ली है और भारतीय नौसेना तकरीबन 26 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को फ्यूचर में ऑपरेट करेगी। अब अगर हम लाइफिस डिफेंस की रिपोर्ट की बात माने तो भारतीय नौसेना इस समय एलसीए नेवी प्रोग्राम पर वापस आ रही है और एक स्मॉल नंबर में इन एयरक्राफ्ट को ऑर्डर करने के लिए विचार भी कर रही है। माना जा रहा है कि ये जो हमारे एलसीए नेवी फाइटर्स होंगे, ये इंडियन नेवी की एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग स्क्वाडन का हिस्सा होंगे, जो कि आने वाले समय में भारतीय नौसेना के जो नए नेवल एविएटर्स हैं उनको ट्रेन करने का काम करेंगे। और भारतीय नौसेना के जो पायलट्स हैं ये टेटबीएफ को ऑपरेट करें उससे पहले उनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग होगी वो एलसीए नेवी की सहायता से पूरी भी करी जाएगी। इनिशियली अगर नंबर्स की बात करें तो कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना तकरीबन एलसीए नेवी की एक पूरी की पूरी जो स्क्वाडन है उसको खरीद सकती है। एक स्क्वाडन में 18 से 20 एयरक्राफ्ट होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो एलसीए नेवी की एक स्क्वाडन आपको आने वाले समय में भारतीय नौसेना में ऑपरेशनल होती दिखाई पड़ सकती है। एलसीए नेवी को लिमिटेड नंबर्स में इंडक्ट करने के अपने ही बेनिफिट्स हैं, जैसे कि ये टेस्ट टीम और फ्रंटलाइन फ्लायर्स के बीच में जो गैप है उसको फिल कर सकते हैं। वहीं आने वाले समय में इनकी टेस्टिंग से हमें जो डेटा प्राप्त होगा, जो लर्निंग प्राप्त होगी, उसका इस्तेमाल हम ट्विन इंजन डिग्रेस फाइटर के डेवलपमेंट में निसंदेह कर सकेंगे। अब अगर हम भारतीय नौसेना के हॉक ट्रेनर्स की बात करें तो भले ही भारतीय नौसेना ट्रेनिंग पर्पस के लिए इनका इस्तेमाल करती हो, लेकिन एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि जो हॉक ट्रेनर्स हैं ये एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ऑपरेट नहीं हो सकते। और यहीं से एलसीए नेवी के जो चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको लेने के बाद भारतीय नौसेना अपने जो आने वाले फ्यूचर के पायलट्स हैं उनको लाइव जो डेमो है वो भी दिखा सकेंगी और उनको आईएनएस विक्रांत या आईएनएस विक्रमादित्य जैसा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहाँ पर ट्रेन भी किया जा सकेगा। अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो भारतीय नौसेना इन एयरक्राफ्ट की सहायता से जो स्टोबार ऑपरेशंस हैं उसके लिए जो पायलट्स हैं उनको ट्रेन कर सकती है, जिसके लिए अभी पायलट्स को विदेशों की तरफ देखना पड़ता है। अच्छा, भारतीय नौसेना के द्वारा जो एलसीए नेवी है इनको इंडक्ट करना काफी सेंस भी बनाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अब भारतीय नौसेना के पास लगभग 2 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसमें आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत शामिल है। अब अगर हम इंडियन नेवी की बात करें तो इन 2 एयरक्राफ्ट के लिए भारतीय नौसेना के पास अभी 40 से ज्यादा की संख्या में जो MiG-29 के फाइटर जेट्स हैं वो ऑपरेशनल हैं। और अगर हम 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात करते हैं तो इनमें से प्रत्येक एयरक्राफ्ट कैरियर तकरीबन 20 से 25 की संख्या में जो एयरक्राफ्ट है उसको कैरी करता है, यानी भारतीय नौसेना की जो शोर बेस स्क्वाडन है MiG-29 की उसको भी आगे चल के आईएनएस विक्रांत पे मूव कर दिया जाएगा। और यहीं से एलसीए नेवी के लिए एक जो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट होगी कि भारतीय नौसेना इनकी 1 से 2 स्क्वाडन को इंडक्ट करे और बाद में जो शोर बेस्ड स्क्वाडन है वहाँ पर इनको डिप्लॉय कर दिया जाए, ताकि ये जो फाइटर फ्लीट है उसको सप्लीमेंट करने का काम कर सकें। भले ही एलसीए नेवी अपने फुल वेपन पेलोड के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से ऑपरेट नहीं कर सकता, लेकिन जब बात आएगी शोर बेस्ड स्क्वाडन में डिप्लॉय होने की तो वहाँ से ये एयरक्राफ्ट जो है बेसिकली अपने फुल पेलोड के साथ या मैक्सिमम पेलोड के साथ ऑपरेट कर सकेगा। और इसका जो बेनिफिट है ये निसंदेह भारतीय नौसेना को मिलने वाला है। तेजस अपने साथ 2 डर्बे मिसाइल और 2 R-73 मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, लेकिन आने वाले समय में इसमें जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है वो भी किया जा सकेगा और भी दूसरे जो एडवांस वेपन सिस्टम है वो एलसीए नेवी का हिस्सा बनते हमको दिखाई पड़ेंगे, जो कि भारतीय नौसेना के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे। अब आइए बात कर लेते हैं एलसीए नेवी के प्रोटोटाइप्स के बारे में और उनके जो डेवलपमेंट है उनके बारे में, ताकि इस प्रोग्राम को हम और अच्छे से समझ सकें।
मौजूदा समय में एलसीए नेवी के जो दो प्रोटोटाइप्स हैं वो उड़ान भर रहे हैं और तीसरा जो प्रोटोटाइप है वो इस समय अंडर डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें NP-1 की, जिसका टेल नंबर KHN-T3001 है, तो ये पहला एलसीए नेवी प्रोटोटाइप है। दरअसल ये ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलता है और इसका जो डेवलपमेंट है इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी और इस एयरक्राफ्ट ने अपनी जो पहली उड़ान है ये 27 अप्रैल 2012 को भरी थी और ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था हमारे लिए, क्योंकि हमने पहली बार एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट बना लिया था जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट किया जा सकता था और इसने बाकायदा अपनी जो कैरियर कंपेटिबिलिटी टेस्ट है इनको पूरा भी कर लिया है। और NP-1 जो है बेसिकली इसकी जो शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से पहली उड़ान आयोजित करी गई थी वो 20 दिसंबर 2014 को करी गई थी। दूसरा जो प्रोटोटाइप है वो है NP-2, जिसको हम KHN-3002 के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली सेकेंड प्रोटोटाइप है और ये सिंगल सीट कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलता है। इसकी जो पहली उड़ान है वो 7 फरवरी 2015 को आयोजित करी गई थी। और तीसरा जो प्रोटोटाइप है एलसीए नेवी का, उसको हम NP-5 के नाम से जानते हैं और NP-5 को लेकर के आज एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जिसके बारे में इसी वीडियो में हम बात करेंगे। नेवल प्रोजेक्ट ऑफिस की बात करें जो कि बेंगलुरु में स्थित है, वो इनिशियली एलसीए नेवी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था, लेकिन अभी जो उनका ध्यान है वो टेडवीएफ प्रोग्राम पर केंद्रित है। और कहा तो ये भी जा रहा था कि उन्होंने खुद को नेवल तेजस प्रोग्राम से बाहर भी कर लिया था, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट है एक बार फिर से NP-5 के डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें तो उन्होंने NP-5 जो कि ट्विन सीटर कॉन्फ़िगरेशन में हमें देखने को मिलेगा उसका जो फैब्रिकेशन है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया था और NP-1 और NP-2 से जो हमें अनुभव मिले थे उसके आधार पर ही इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर हम बात करें NP-1 और NP-2 की, तो वो एयरफोर्स फाइटर थे जिनको नेवल वेरिएंट में कन्वर्ट किया गया था, लेकिन जो NP-5 है वो एक डेडिकेटेड कैरियर बॉर्न फाइटर होगा जिसको स्पेशली इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के आधार पर डेवलप किया गया है। इसमें बहुत सारी जो इम्प्रूवमेंट्स है वो करी गई हैं और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी के दो वेरिएंट्स की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। इसका डेवलपमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके डेवलपमेंट से जो डेटा हमें प्राप्त होगा, जो लर्निंग हमें प्राप्त होगी, उसी के आधार पर जो ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर है उसका निर्माण किया जाएगा। जैसे कि जो डेवलपमेंट है लैंडिंग गियर्स का और भी दूसरी जो टेक्नोलॉजीज हमने इवॉल्व करी हैं वो सारी हमें टेडवीएफ में इस्तेमाल होती दिखाई पड़ेंगी। अब अगर हम एनुअल रिपोर्ट की बात करें जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की है, तो वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया था कि उन्होंने एलसीए नेवी मार्क 1 ट्रेनर का जो प्रोटोटाइप है, जिसको हम NP-5 के नाम से जानते हैं, जो कि बेसिकली थर्ड नेवल प्रोटोटाइप है, उसके प्रोडक्शन को कम्प्लीट कर लिया है और जो ग्राउंड रन टेस्ट है वो भी कम्प्लीट कर लिए गए हैं 16 जनवरी 2023 को। वहीं आज एक बड़ी अपडेट सामने आती है जो कि है 18 अगस्त 2023 की, जहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि एलसीए नेवी के इस तीसरे प्रोटोटाइप ने भी अपनी जो पहली उड़ान है वो सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। यानी NP-5 की जो पहली उड़ान है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एयरपोर्ट से कंप्लीट कर ली गई है। ये उड़ान तकरीबन 57 मिनट की थी, यानी 57 मिनट तक ये जो एयरक्राफ्ट है ये एयरबॉर्न था और इसने इस दौरान जितने भी पैरामीटर्स हैं उन सबको पूरा किया है और सब कुछ सामान्य था। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर तो सामने आ चुकी है कि हमारा जो तीसरा प्रोटोटाइप है एलसीए नेवी का, इसने भी अपनी जो उड़ान है पहली उसको कंप्लीट कर लिया है। हालांकि आने वाले समय में इसकी और भी दूसरी जो टेस्टिंग है वो की जाएंगी और बाद में जो डिजाइनर्स हैं वो इसी डेवलपमेंट के आधार पर जो हमें डेटा प्राप्त हुआ है उसका इस्तेमाल टेडवीएफ डेवलपमेंट में करने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो कि हमें तेजस प्रोग्राम में देखने को मिला है या तेजस के नेवल वेरिएंट में देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो भी आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।